देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 76वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी संग दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस दौरान तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से कहा कि पिछले 75 साल में भारत ने अपनी प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सोनिया गांधी ने देशवासियों के नाम एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक और जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया है। इसके साथ साथ भारत भाषा, धर्म, संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर सदैव खरा उतरने वाले एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। उधर पीएम मोदी के संबोधन और परिवारवाद की राजनीति वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहाँ गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान इंतज़ार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से कोरोना हुआ है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुई। ज्यादातर कांग्रेस नेता इस दौरान मास्क में नजर आए। देशवासियों के नाम अपने संदेश में सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हमने बीते 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की आत्ममुक्त सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानबाजी और नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्य के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी।